तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के एक नए फीचर के बारे में, या बोल सकते हैं व्हाट्सअप के एक नए अपकमिंग फीचर के बारे में, जो कि अभी कुछ टाइम बाद रिलीज होने वाला है। इस फीचर को बहुत टाइम से लोग वेट आउट कर रहे थे और फाइनली इसका मतलब इस पर टेस्टिंग करना या वर्किंग करना चालू हो चुकी है, जो कि बहुत ही जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्या ये फीचर है, कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे ये मिलता है, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के नए अपडेट के नए फीचर के बारे में। जिस फीचर का नाम बताने वाला हूँ उस फीचर का नाम है लॉक चैट। दोस्तों ये लॉक चैट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फीचर काम क्या करेगा। आप इसके अंदर कोई भी अपनी कन्वर्सेशन को लॉक कर सकते हैं और जिसको बाद में अपने फिंगरप्रिंट के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फीचर बहुत टाइम से लोग चाह रहे थे, फाइनली अब इसमें टेस्टिंग होना या बोल सकते हैं वर्किंग होना चालू हो चुकी है और कुछ टाइम बाद ये सबको रोल आउट हो जाएगा। फिलहाल ये बीटा यूज़र के लिए भी नहीं आया है, तो मैं आपको यहाँ पर इसका यूज़ थोड़ा सा ही बताने वाला हूँ, एक फ़ोटो बता के कि कैसे यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो ये फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉक होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिंगरप्रिंट के द्वारा लॉक होगा और इसको अनलॉक करना फिंगरप्रिंट के द्वारा ही अनलॉक होगा। अगर आप फिंगरप्रिंट भूल गए या फिर फिंगरप्रिंट खराब की नहीं लग रही है तो उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो फुली प्रोटेक्टेड रहने वाला है, कोई भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं लगा पाए। तो उस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं 3 फोटो लगा के दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे एक्चुअल में इसका यूज़ कैसा होने वाला है। जैसा कि आपको उसको इनेबल करना हो, आपको इनेबल करना हो तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको व्हाट्सअप की अपनी कन्वर्सेशन में जाना है। कन्वर्सेशन में जाने के बाद उसकी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप में गया हूँ तो वहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चैट लॉक करके, आपको चैट लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे चैट लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर एंटर करना होगा और वो चैट वहाँ पर लॉक हो जाएगी। और आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लॉक विद चैट विद फिंगरप्रिंट करने के बाद, उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है और वो लॉक वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप इसको मेन स्क्रीन पर आएंगे तो वो वहाँ पर आपको दिखाएगा लॉक चैट्स के अंदर कि ये जो भी आपने चैट्स को लॉक करा हुआ है वो लॉक वाले चैट्स के अंदर आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये वाला जो फीचर है बहुत लोग डिमांड करते थे कि ये फीचर आना चाहिए, फाइनली ये वाला फीचर अभी बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस फीचर का यूज़ कैसे होगा, कैसे यूज़ करेंगे, जब ये एक्चुअल में आएगा, जब इसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, फिलहाल उनका ऐसा कहना है ये फुली प्रोटेक्टेड रहने वाला है, इसको फिंगरप्रिंट के द्वारा ही एक्सेस किया जाएगा। अगर आप फिंगरप्रिंट्स भूल गए तो वो वहाँ पर एक्सेस या बोल सकते हैं उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे अपने डेटा को, और कोई भी इसको अननेसेसरी डेटा आपका रिकवर नहीं कर पाएगा। आपको एक एक चैट्स के अंदर जाके उसको लॉक करना पड़ेगा, जिस जिस चैट्स को आपको लॉक करना है उस चैट्स की कन्वर्सेशन में जाना है और उसको वहाँ के थ्रू आप उसको लॉकआउट लॉक कर पाएंगे। एक एक इंडिविजुअल करके आपको उसको लॉक करना रहेगा। तो ये फीचर बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि मुझे बहुत शानदार लगा, इसलिए मैंने कहा इस पर एक वीडियो ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शानदार फीचर है, अपकमिंग फीचर है। जैसे ही ये फीचर लॉन्च होगा तो उस पर भी डेफिनेटली मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।